मारवाड़ में मानसून की पहली बूंद बरसने से पहले ही सूबे की सियासत में भादों की झड़ लगी हुई है। कभी मारवाड़ के एक माननीय इस्तीफा दे देते हैं तो कभी एक माननीय पर पंजाब में सियासी जंग छेड़ने के आरोप लग जाते हैं। और इसी बीच जब सूबे के मुखिया ने मारवाड़ को सौगात दी तो दिल्ली में मारवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के आयोजन पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। शेखावत ने कहा कि गहलोत जी, आज आपके शिलान्यास प्रोग्राम से तय हो गया कि राजस्थान में जनता और सरकार के लिए अलग अलग नियम है, जैसे अंग्रेजी राज में हुआ करते थे। आपकी सरकार के आदेश से राज्य भर में कोरोना प्रोटोकॉल तय किया गया है, जिसमें मल्टीप्लेक्स और थिएटर के साथ सभागार भी बंद है। आज एक नियम आपके कार्यक्रम में ही टूटा है, अब बताएं किसके नाम पर जुर्माने की पर्ची कटेगी, या फिर साफ कर दें कि जोधपुर नगर निगम का सभागार कोरोना प्रूफ है, या आप इतने बड़े जादूगर हैं कि वैक्सीन के साथ साथ वायरस भी गायब कर देते हैं। आप तो आराम फरमाएंगे, लेकिन आपके डर से जितने अधिकारी कर्मचारी जमा हुए थे उनकी परवाह मुझे करनी है। मुझे ध्यान रखना होगा कि उन्हें कुछ ना हो, और यदि होता है तो समुचित सुविधा मिले। खैर, शेखावत के आरोप तो वाजिब हैं कि राजस्थान में जनता और सरकार के लिए नियम अलग अलग हैं। लेकिन इन दिनों मारवाड़ की सियासत लगातार तल्ख हो रही है और दोनों ही ओर से एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। और ये वो मौका था जब फोन टैपिंग मामले में कुछ घंटे पहले ही सीएम गहलोत की ओएसडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शेखावत से जवाब मांग लिया। चलिए आपको इस मामले की भी कहानी बता देते हैं। दरअसल पिछले साल सियासी संकट के दौरान हुए फोन टैपिंग मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके खिलाफ शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की याचिका पर नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही राजस्थान और दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को जवाब देने के लिए भी कहा है। बहरहाल अब आगे की तस्वीर कैसी होती है और गहलोत और शेखावत के बीच चल रही दरार क्या गुल खिलाती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।